इस्तीफा दिया गया? नहीं, मैं कहा पिटवाऊंगा, मैं तो बोला शांति से बैठो, शांति से सुनो, और उसकी जो समस्या है उसके बाद में आप बताओ, सुनने के तैयार है। बीच में ही भाषणबाजी में ही चिल्ला चोर करके दारू शराब पी के आके माता बच्चे करना चालू कर दिए। अच्छा, उसका कहना है कि मेरे को पिटवा है, मैं रोड की शिकायत लेके गया था। वो रोड तो सर, आप वो देखो केंद्र सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की जो बड़ा है खेत वाला बड़ा रोड है, खुद मेरा भी रोड, मेरे को भी निकलने की इतनी परेशानी आती है, उसके बाद में मैं भी नहीं कर पाया, तो उनकी रोड की मैं क्या कर सकता हूँ। विरोध प्रदर्शन काफी हुआ ग्रामीणों के द्वारा? नहीं, ऐसा इस प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, निश्चित ही पूरा गांव उपस्थित था, कुछ लोगों के कुछ मांग थी कि खेतों का रास्ता हमारा ग्रेवल सड़क का निर्माण हो, और निश्चित रूप से उसकी हम जाँच करवाएंगे और वो सड़क भी बनवाई। ग्रामीणों ने ये बताया है कि जो भी निर्माण कार्य करा जाते हैं वो मशीनरी और जेसीबी से सरपंच सचिव कराते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक प्रत्येक गांव में अनेक प्रकार के पक्ष होते हैं, आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन आज देश के इतिहास में पहली बार इतने हितग्राहियों को इस प्रकार योजना का लाभ मिल रहा है। जब ग्राम सहजला की बात करें तो 300 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलने जा रहा है। कई महिलाएं भी बता रही है हमें किसी भी योजनाओं को कोई लाभ नहीं मिलता, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच सचिव ध्यान। आज महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजना, ग्राम पंचायत पे आरोप लगा रहे हैं लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर इस प्रकार के कोई व्यक्तिगत कोई आरोप होंगे तो उसकी जाँच करवाएंगे, और प्रत्येक हितग्राही तक जो पात्र है